जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शायर। आज चाय शायर में हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पुलाव की बहुत वैरायटीज होती है और जितना पुलाव हम बनाते हैं नई वैरायटी हमें याद आती है। तो आज चाय शायर में हम बनाने जा रहे हैं चटपटे आलू पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं और जरूर पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चटपटे आलू पुलाव बनाने के लिए हम लेंगे ये स्मॉल साइज के आलू, जिनको मैंने छील के कट कर लिया है, हाफ हाफ कट कर लिया मैंने इसको। इधर हमारा पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इन आलू को हम पारबॉइल करेंगे। हमने सारे आलू डाल दिए हैं। धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया लिया है एंड फ्रेश पुदीना। लेते हैं मिक्सी का जार, इनको मैंने धो लिया है, इसको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया। ऐड करेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ताकि पीसने में हमें इजी रहे, और डालेंगे इसमें हाफ टमाटर। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा अबाउट हाफ टी स्पून और थोड़ा सा नमक ताकि इजीली ये पीसने में आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने इसको पीस दिया है, ये आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं। पेस्ट को हम बॉल में निकाल लेते हैं। हाफ टेबल स्पून दही डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, डालेंगे इसमें चॉप्ड किया हुआ ऑनियन। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो, मैंने पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको चॉप कर लिया है। ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और फाइनली ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, अबाउट हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेसन। हमारे आलू जो है वो ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आलू हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब लेते हैं पैन और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अच्छे से गरम होने देते हैं, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम आलू को इस तेल में डालते हैं। फ्लेम को हम इसको स्लो टू मीडियम रखना है, हमें इसके लिए आलू ऐड करना है। ग्रेवी अभी हम रखेंगे, ग्रेवी हमारे बाद में जुड़ जाएगी। अब
इतने सारे आलू ऐड कर दिए इसमें। अब इसको हम कवर कर देते हैं, फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है। इसको हम चेक करते हैं, करीबन 2 मिनट और लगेगा। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। आलू को हमने सेव किया है अच्छे से। आप होम की हेल्प से चेक कर सकते हो कि आलू हमारे सिक गए हैं। ये देखिए इजीली ये जा रहा है अंदर, मतलब आलू हमारे अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। जैसे कि मैंने पहले बताया था, चावल को हम पहले से बॉईल करके ठंडा कर लेते हैं, तो उससे पुलाव हमारा बहुत अच्छा बनता है। मैंने चावल को बॉईल कर लिया है और उसे ठंडा कर लिया है, और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो रखा हुआ है ताकि मिक्स करना इजी रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है क्योंकि हमने मैरिनेट में भी नमक डाला हुआ है। कम का इलाज है, ज्यादा का इलाज नहीं है, इसे नमक देख के डालेंगे। और डालेंगे थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसको फ्यू सेकेंड्स के लिए हम कवर कर देंगे। हमारे चटपटे आलू पुलाव रेडी हो गए हैं। हमने इसको फिर से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को करेंगे ऑफ। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि गार्निशिंग हमें क्या चीज से करनी है। हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती। तो हमारे चटपटे आलू पुलाव रेडी हो गए हैं। मैंने इसको केक पे निकाल लिया है। एंड एज यूजुअल पुलाव का कॉम्बिनेशन होता है रायता एंड पापड़ के संग, तो बहुत टेस्टी लगता है। पर्सनली मुझे सलाद भी बहुत पसंद है, तो मैंने अपने प्लेट में कचुंबर सलाद भी ऐड कर दी है। आप भी अपने प्लेट रेडी करिए। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के संग जरूर शेयर कीजिएगा। आऊंगी बहुत जल्दी। थैंक यू।